और क्या थीम है आज? देखिए, जब से 370 हटा है, आप सब लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है प्रगति पे है, तरक्की पे है, अमन यहाँ पे आए हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस दे आर ओपनिंग फॉर द फुल सेशन। यहाँ पे जो आज प्रोग्राम करने का जो ये मकसद था, इसका यही मकसद था कि सारे लोग इसमें मिलजुल के रहे, खुशी से रहे। और जो आज ये खुशी की बात है कि यहाँ पे किलिंग्स कम हो गई है, हड़ताल कम हो गए, जो स्टोन पेंटिंग वो खत्म हो गई है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए आज हमने यहाँ पे कल्चर प्रोग्राम किया है, जिसमें हमने रेनाउंड आर्टिस्ट शफी सोपोरी हो, नूर मोहम्मद हो और कुछ लोकल बैंड्स को यहाँ बुलाया है, और हमने पब्लिक के लिए ओपन छोड़ा ताकि सारे लोग इसमें मिलजुल के रहे। अगर पूरी दुनिया में कश्मीर को देखा जाए तो टूरिज्म डिपार्टमेंट ही एक ऐसा आईना है जिससे पूरे इस जम्मू कश्मीर की अकासी होती है, तो एक कहीं ना कहीं पर बड़ी जिम्मेदारी भी है टूरिज्म डिपार्टमेंट पे। और लोगों से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि आज इस मौके को देखकर यह ख्याल भी नहीं किया जा सका कि इस तरह की सूरत हाल भी जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। लास्ट दो सालों से हमारे यहाँ पे एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में। आप लोगों को खुशी होगी कि जो 2022 में फुल जनवरी टू दिसंबर जो फिगर्स थे जम्मू कश्मीर में, वो ऑलरेडी हम लोग अक्टूबर में ही क्रॉस कर चुके हैं। टूरिस्ट फुटफॉल यहाँ काफी हुआ है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का फुल फोकस है टूरिज्म की तरफ कि यहाँ पे लोग आए, पर्यटन आए, उनकी फैसिलिटीज यहाँ पे इंप्रूव हो रही है दिन ब दिन। हम और भी 75 जो न्यू ऑर्बिट डेस्टिनेशन को प्रमोट कर रहे हैं। आप यहाँ पे जैसे कि हम लोग आज खड़े हैं घंटाघर के सामने, अनइमेजिनेबल था ये 4 साल पहले कि यहाँ पे हम लोग खड़े भी हो सकते थे। थैंक यू, थैंक यू। देखिए, ये यूटी फाउंडेशन डे है आज। आज ये खुशी का एक वातावरण बना हुआ है यहाँ पर और लोग बहुत ही उत्साहित हैं। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यहाँ से गए हैं, वो फोटो एग्जिबिशन का उन्होंने यहाँ पे वो किया इनॉग्रेट, और उसके बाद यहाँ पे गज़लों और गाने बजाने का प्रोग्राम भी रखा गया है। लोग दौड़ दौड़ के आ रहे हैं क्योंकि कश्मीरी जो एक्चुअल जो कल्चर है हमारा वो यही है कि गाने बजाने और पीसफुल वातावरण हो और खुशी का मकाम हो। ये हमें कभी हमने इस चीज़ को नहीं गले लगाया कि यहाँ पे ह्यू एंड क्राई हो, यानी कि यहाँ पे जैसे मतलब एक ऐसा वातावरण हो कि जो इंसान घबरा जाए उससे। हम यही चाहते हैं कि एक भाईचारे का, एक खुशी का और मिलन ऐसा हो कि सभी किस्म के लोग आ जाएं, नौजवान आ जाएं, बच्चे, बूढ़े, औरतें, माएँ, बहनें, और इसमें शमूलियत करें, इसमें वो पार्टिसिपेट करें। क्योंकि ये चीज़ जो है, ये इससे एक आदमी को लग रहा है कि मैं वाकई एक पीसफुल एटमॉस्फेयर में बैठा हुआ जहाँ पे गाने बजाने का। मैं तो इस चीज़ का बड़ा शौकीन था बचपन से कि मैं ये सूफियाना जो मौसीकी है सुनने का बड़ा ये हूँ, बेताब रहता हूँ क्योंकि मेरे पीर साहब यहाँ बुज़ुर्ग रहे हैं, यहाँ वलियों की धरती है, ये सूफ़ी धरती जिसको हम कहेंगे ऋषियों की धरती है। यहाँ पे अगर सूफियाना मौसीकी नहीं होगी, गाने बजाने नहीं होंगे और मिलन नहीं होगा। ये देखिए, सरदार साहब भी यहाँ नज़र आ रहे हैं, पंजाब से भी आ रहे हैं, महाराष्ट्र से हैं, लोकल लोग हैं, एक मिलन हो रहा है। ऐसे जो एक प्रोग्राम्स हैं इनको बढ़ावा देना चाहिए गवर्नमेंट को। लेकिन साथ ही साथ मैं अगर यूटी फाउंडेशन डे पे एलजी साहब को आग्रह करना चाहता हूँ कि एटलीस्ट यहाँ पर जो नौजवान हैं, अगर यूटी हम कहते हैं तो यूटी के बराबर उनको जो राइट्स मिलने चाहिए। कि जैसे अगर यूटी में आंगनवाड़ी वर्कर की तनख्वाह 10,000 है तो यहाँ क्यों 5,000 है? और अगर दिल्ली में आप जिस तरीके से दिल्ली में आपने लाए हैं, कंपनीज़ लाई हैं, फॉरेन कंपनीज़ लाई हैं और वो तनख्वाहें अच्छी खासी दे रहे हैं लोगों को, 25-25, 50-50 हज़ार, यहाँ पे 5,000-10,000 की भी नौकरी अभी नसीब नहीं होती है नौजवानों को। थोड़ा सा इस बारे में सोचें, डेली वेजर्स बेचारे दर बदर हैं, कैजुअल लेबर्स दर बदर हैं 20-20 साल से। तो इस वातावरण को अगर हम ऐसे खुशनुमा वातावरण बनाएं, जैसे आज हमारे ये माहौल लग रहा, आप यहाँ से देखिए कितना चमक रहा है ये लाल चौक लोगों की वजह से। क्योंकि अब जब लोग ही नहीं होंगे तो कुछ मायने नहीं है। गवर्नमेंट भी यही है कि गवर्नमेंट इज़ बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। लोगों का जहाँ साथ होता है तो तभी हम कहते हैं कि हम कहीं ठहर गए हैं।
जो आज यहाँ पे इवेंट रखा गया है इसके हवाले से कुछ हमें बताइए। आज जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म वालों ने आज यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा है, जैसे कि आप सबको मालूम है 31 अक्टूबर 2019 को जो हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ये बन गया यूटी, 4 साल हो गया कि आज ये 4th साल मनाया जा रहा है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में। इन 4 सालों में बहुत सारे बदलाव आए हैं यहाँ पर, अगर हम बात करेंगे बहुत सारी जगहों पे यहाँ पर ये सजाए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप अगर हम बात करेंगे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो रेनोवेट हो गए, यहाँ पर घंटाघर की बात अगर हम करेंगे स्मार्ट सिटी के तहत भी यहाँ पर इसको नए सिरे से बनवाया गया है, और डल साइड से भी, निशात साइड से भी, और बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे इन 4 सालों से बहुत सारे डेवलपमेंट हो गई है। यह आज 4 साल मुकम्मल होने के बाद आज ये मनाया गया है ये यूटी डे यहाँ पर, जैसे कि टूरिज्म डिपार्टमेंट वालों ने यहाँ पर एक फंक्शन भी रखा है। इससे पहले यहाँ पर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट वालों ने भी यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स फोटो एग्जीबिशन रखा था, और अब यहाँ पर टूरिज्म डिपार्टमेंट वालों ने यूटी फाउंडेशन डे के हवाले से एक कल्चरल फंक्शन रखा गया है यहाँ पर। अब मुझे बताइए अभी आगरा वाले दोनों ऐसे फंक्शन को देखने को मिलेंगे जो जेके टूरिज्म को जाने के। हाँ जी, जेके टूरिज्म डिपार्टमेंट वालों ने इससे पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स का इनेकाद किया है, और इन फ्यूचर में भी वो ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद करेंगे। देखिए आज यूटी फाउंडेशन डे है जो कि आज 4th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जा रहा है। एक बहुत ही हैप्पी मोमेंट है हम सब जम्मू कश्मीर के रहने वालों के लिए, क्योंकि अगर हम पिछले 4 सालों की बात करें तो प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, पॉजिटिविटी इतनी आ चुकी है जम्मू कश्मीर में कि यहाँ का आम शहरी जो है वो एक राहत की जिंदगी गुजार रहा है, एक पीसफुल जिंदगी गुजार रहा है। ये वो जिंदगी है जो पिछले 30-40 सालों से जम्मू कश्मीर के लोग चाहते थे, लेकिन अब ये चीज सक्सेसफुल हुई है, जिसके लिए सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे ऑनरेबल एलजी साहब का, जिन्होंने बहुत सारे अमेजिंग प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के लिए किए। और साथ ही साथ वी विल थैंक द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर टेकिंग सच ब्रिलियंट स्टेप्स फॉर जम्मू एंड कश्मीर। आप आज यहाँ देख सकते हैं कि घंटाघर जो एक हिस्टोरिक लोकेशन है श्रीनगर का, यहाँ पे बढ़ चढ़ कर जो लोकल्स है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टूरिज्म के लोग भी है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और आज का ये प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म जम्मू एंड कश्मीर ने ऑर्गेनाइज किया है, जहाँ पर जम्मू कश्मीर के प्रोमिनेंट सेलिब्रिटीज को बुलाया गया है, और जम्मू कश्मीर की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग रूटेड मैसेज पूरी दुनिया को दे रहे हैं कि यहाँ अमन शांति के साथ हम रहते हैं और लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल टूरिज्म का वेलकम करते हैं। महफिल 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 में बार बार किसी पर नजर गई, महफिल में बार बार किसी पर नजर गई, महफिल में बार बार किसी पर नजर गई, हमने बचाई लाख मगर उतर गई, हमने बचाई लाख मगर उतर गई, उनकी निगाह में कोई जादू जरूर था, निगाह में कोई जादू जरूर था, जिस पर पड़ी उसी के चितन में उतर गई, जादू किया उसका दिया हुआ है। ये फर्स्ट लाइन सर भेज रहा हूँ आपके लिए सर। आँख उठी आँख उठी आँख उठी आँख उठी आँख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई, आँख उठी मोहब्बत ने मोहब्बत
Thank you.
झूले झूले यार दम मस्त कलंदर, झूले झूले यार दम मस्त कलंदर, झूले झूले यार दम मस्त कलंदर।
लकब बसतुला नाम अली है, लकब बसतुला नाम अली है, नाम अली नाम अली नाम अली नाम अली नाम अली बेड़ा पार लगा तुझे लाल ओ नाम अली ओ नाम अली बेड़ा पार लगा तुझे लाल ओ सड़ीदा सेवड़दा सेवड़दा सभी शाबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर अली दम दम दे अंदर अली शाबाज ओ लालो Pihiranda, 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 Pihiranda.